सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के नतीजों को लेकर के अब इंतजार खत्म हो चुका है। 31 जुलाई को इन दोनों ही बोर्ड के 12वीं के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी, मगर फॉर्मूला इस बार अंकों का मार्कशीट बनाने का कुछ अलग तय किया गया है। दरअसल 11वीं, 10वीं और 12वीं के अंकों को मिलाकर के 12वीं के बोर्ड के नतीजे तय किए जाएंगे और मार्कशीट में उसी आधार पर अंक दिए जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से जो फॉर्मूला बताया गया, उस फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं के एग्जाम यानी कि 3 सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा नंबर्स होंगे, मार्क्स होंगे, उनको जोड़ा जाएगा, 30% मार्क्स उसके लिए जाएंगे। 11वीं बोर्ड के एग्जाम के 3 सबसे बेहतर सब्जेक्ट के जिसमें सबसे ज्यादा अंक बच्चे ने हासिल किए हैं, उन अंकों को जोड़ा जाएगा, 30%, ये अंक भी शामिल होगा। ये दोनों को मिलाकर के 10वीं और 11वीं को मिलाकर के 60% अंक हो गया और 12वीं के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल के 40% नंबर यानी कि प्री बोर्ड के 40% मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से 60% मार्क्स 10वीं और 11वीं से और 40% मार्क्स 12वीं से लिए जाएंगे और इस तरीके से मिला करके 12वीं के नतीजे तैयार कर दिए जाएंगे और उसकी घोषणा 31 जुलाई को कर दी जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस फॉर्मूले को लेकर के बीते दिनों यानी कि आज से करीब 13 दिन पहले एक आदेश दिया था कि एक समिति बनाई जाए और समिति अपनी रिपोर्ट तय करे और बनाए और सबमिट करे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसके आधार पर 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंक मिलाकर के 12वीं की मार्कशीट तैयार की जाएगी और महत्वपूर्ण दिन, मुख्य दिन यानी कि 31 जुलाई जिसमें आप सब छात्र और छात्रों की घोषणा कर दी जाएगी नतीजों की।